मेरी तरफ देखना बंद करो। तुम लोगों को सिर्फ एक ही काम आता है, लोगों के रिश्तों के साथ खेलना। किसी के इमोशंस की तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है रज, पर जो तुम सोच रही हो पूरी तरह वो ठीक नहीं है। मोर देन एनीवन एल्स मैं खुद पजल कि भाई ऐसा क्यों कर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। और जहां तक रही प्रज्ञा भाभी की बात, तो जितना अफसोस तुम लोगों को है उतना ही अफसोस मुझे। सच्चा फूल है। मैं तुम्हें क्यों सफाई दे रहा हूं और किस बात की सफाई दे रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खराब इंसान हूं। तो जो हो रहा है उसे होने देते। दिस वर्ल्ड इज रियली स्ट्रेंज फॉर मी रचना। एक इंसान है जो अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहता है और दूसरा इंसान उसे वो गलती सुधारने का मौका ही नहीं देना चाहता। पीछे हम यहां से चलते हैं, मैं अपने सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकती। पीछे नहीं सरला, हमें रुकना पड़ेगा बेटा। प्रज्ञा को अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? आपकी बात हुई थी से? पता चला वो ऐसा क्यों करेगी? अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, वो फैसला कर चुकी। माँ मैं दी से बात करके आती। मैंने कहा ना कोई फायदा नहीं है, वो फैसला कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए भी अपना फैसला बदलेगी। कंग्रेचुलेशंस आंटी जी, आपको यहाँ पर देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी ना? अरे खुश क्यों नहीं होंगी? अरे मिडिल क्लास में तो एक शादी करना भी बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ तो इनकी बेटी की दो दो शादी हो रही है, और वो भी बिना एक रुपया खर्चा किए, है ना? तुम जानती हो मुझे तो बुलबुल को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है ना बुलबुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? चाहे तुम इसे प्रज्ञा की खुशी की वजह बोलो या फिर हम सबकी खुशी की वजह। मैं? हाँ, अरे तुमने तो पूरब को भेजा था ना यहाँ पर प्रज्ञा की वकालत करने के लिए। तो देखो ना, उसने अगर वो 24 घंटे नहीं मांगे होते तो उसी दिन वो इस घर से चली जाती। लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं गई, अगर चली गई होती तो आज ये शादी थोड़ी ना हो पाती। So thanks to you. आलिया, कितने दिनों बाद मुझे ना ये घर अपना घर लग रहा है। नहीं तो जब से इनकी बेटी ने इस घर में कदम रखे थे ना, तब से ना तो दिन में सुकून ना रात में चैन। जानती हो मुझे तो रात में प्रज्ञा के बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे, डरावने वाले। बस कीजिए आप मेरी दी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। बुलबुल इनके मुंह मतलब से बात करना तो वैसा ही है जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकना। आपने हम लोगों को कीचड़ का? पर आंटी जी कीचड़ तो आपकी खुद की बेटी के मुंह पर लगा हुआ है, फिर भी आप हमें हमें दोषी ठहरा रहे। आंटी जी आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग आपकी बेटी की शादी करवा रहे हैं। एहसान तो आपको मानना चाहिए, मेरी दी अब तक चुप है क्योंकि उसके जगह अगर मैं होती ना तो मैं आप... रिलैक्स गाइस, टेक अ चिल पिल, अभी लड़ने का नहीं नाचने का टाइम है। भारत पहुंच चुकी है और तुम्हें भारत का स्वागत करूं, मैं आपको लेकर आता हूं। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल एक्शन। बेवफा भी कहना
ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे वहां नीचे तुम्हारी बारात आ गई और कितना मजा आने वाला है। और तुम जानती हो तुम्हारा जो होने वाला पति ना कितना हैंडसम और कितना स्मार्ट लग रहा है। तुम सोच रही हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अरे तुम दोनों की शादी होने वाली है तो मुझे ऐसा बोलना ही पड़ेगा। और जिस रिश्ते को मैंने जोड़ा है मैं उसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? तुम किससे शर्मा गई? अरे इसी तरह शर्मा दी रहोगी तो तैयार कब होगी? चलो ऐसे क्या दिख रही हो? कहीं तो मुझसे ये तो नहीं कहना चाहती कि यहां से निकलने के बाद तो मुझे मिस करोगी? वैसे मिस तो मैं भी करूंगा लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे पक पक को। चलो अब बातें बहुत हो गई, तैयारी शुरू करते हैं। देखना मैं तुम्हें ऐसा तैयार करूंगा ना कि तुम्हें देखकर तुम्हारी डबल बैटरी की डेड बैटरी डबल चार्ज हो जाएगी। कम ऑन सिट डाउन, मैं तैयार करूंगा। कम ऑन सिट। मेरे दिल ने चुन लिया, ने तेरे दिल दिया, तू जो मेरे नाल तुरे था, तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुन सुपर। अब लग रही हो एकदम एकदम नहीं आधी दुल्हन, क्योंकि अब तो ड्रेस बाकी है ना। चलो चलो तुम्हारी ड्रेस की बारी है। ये रही तुम्हारी ड्रेस, क्या लगोगी तुम इस ड्रेस में? अब मैं तुम्हें ये कैसे पहना सकता हूँ? शेम पॉपी शेम हो जाएगा है ना। हाँ ठीक है, तो तुम ये ड्रेस पहन लो, मैं भी जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या कर रहे हो तुम? बारात आ चुकी है, कहीं ऐसा ना कि वो चश्मिश दुल्हन बन के आ जाओ और हम अभी तक तैयार नहीं है। चलो जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है मैं उस बहन जी के लिए रेडी हो रही? तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तैयार होने में? स्वीटहार्ट, आलिया मेहरा नाम है मेरा, मैं जो भी करती हूँ अपने लिए करती हूँ। उस बहन जी के लिए रेडी नहीं हो रही, मैं तो अपने पूरब के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो इस शादी में जरूर आएगा। और मुझे मालूम है कि वो बुलबुल ना एकदम बहन जी टाइप ही लगने वाली, और फिर जब पूरब मुझे देखेगा तब उसे रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है उसको सिलेक्ट करके। आलिया आर यू क्रेजी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पूरब ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम उसके बारे में सोच रही हो? अरे पूरब तुम्हें तुम्हारे शादी के मंडप में छोड़ के गया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं ये कभी एग्जैक्टली तुम कभी मेरी जगह हो ही नहीं सकती। आई मीन अपने करियर के लिए अपने लव लाइफ को कैसे छोड़ सकता है? स्वीटहार्ट तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अब देखो ना, मेरे प्लान की वजह से वो बहन जी भाई की लाइफ से बाहर चली गई है, वरना भाई का इंतजार करते करते तुम्हारे तो बाल सफेद हो जाते। सीतन, पूरब मेरा बचपन का प्यार है, यू नो आई लव हिम टू बिट्स, और वो बुलबुल उसको सिर्फ कुछ महीनों से जानती है, तो पूरब के नादानी की वजह से मैं उससे प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती ना तनु। मेरा पहला टारगेट थी ये बहन जी, ये तो फाइनली इस घर से चली गई, और अब मेरा टारगेट होगी वो बुलबुल। देखना तनु, ऐसा प्लान बनाऊंगी कि पूरब की आंखों से गिर जाएगी, पूरब तो उसका नाम तक नहीं लेगा। ओके Come on, quickly, quick!
Okay, oh my God, you're looking gorgeous. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत लग सकती हो. But the credit should go to me. सब मेरे हाथों का जादू है. जिस तरह तुम में ब्लैक मैजिक करने का टैलेंट है, उसी तरह मुझ में चश्मिश को परी बनाने का टैलेंट है. अरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पूरे मेहनत पर मिट्टी डाल रही हो. चश्मा उतारो. इसके बिना ज्यादा अच्छी लगती हो. एक्चुअली तुम पहन लो. क्या है ना, मैं भूल गया था कि तुम्हारे साथ सुरेश है. वैसे अगर तुम्हें देखकर उसने अपना चश्मा निकाल लिया ना, तो रात को कुछ भी करने के बदले तुम लोग आंख में चोली खेलते रह जाओगे. ए चश्मिश, ये बताओ कि शादी के लिए तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? आपको बाकी मुझे कोई गिफ्ट देना है तो प्लीज रोक दीजिए ये सब. ये शादी रोक दीजिए प्लीज. नॉटी गर्ल, मैंने तुम्हें अपने हाथों का जादू दिखाया तो तुम भी अपना जादू चलाओगी. लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, तुम्हारा कोई भी ट्रिक नहीं चलने वाला. अब तुम्हारे बातों का भी ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपना डिसीजन बदलने नहीं वाला. हाँ, लेकिन तुम मेरे सामने जब भी रोती हो ना, तब मुझे तुम्हारा असली चेहरा नजर में आता है. इसलिए रोना धोना बंद करो और चलो नीचे, सब इंतजार करें. कमान, क्या हुआ? मूड खराब है? चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ. चलो बताओ कि तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा. कहानी सुनो. चलो राजा रानी की कहानी सुनाते. नहीं, जंगल में शेर की कहानी? वो भी नहीं. तो फिर किसी के दिए हुए धोखे की कहानी? ये क्या है? तुमने अभी मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना. तुम जानती हो ना कि तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर उस सुरेश से शादी नहीं कर सकती हो. लोग कैसी कैसी बातें करेंगे. मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी दी हुई कोई भी चीज ना अपने साथ ले जाओ, फिर चाहे वो मेरा दिया हुआ नाम या पहनाया हुआ मंगलसूत्र. अब इस मंगलसूत्र को मैंने पहनाया है तो जाहिर सी बात है कि इसे उतारने का हक भी मेरा होगा. कोई ख्वाहिश है बाकी तुम्हारी? या बाकी का बदला दी से शादी के बाद लोगे? How can you be so shameful, सुरेश? जब मेरी दी तुमसे शादी करना चाहती थी, तब तुमने उसका दिल तोड़ दिया, उसे ठुकरा दिया. और अब जब मेरी दी किसी और से प्यार करने लगी है, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, उसे चाहने लगी है, तो तुम उसे शादी करना चाहते हो? अरे दोस्ती का तो लिहाज रख लेते. अब तो मुझे लगता है कि तुमने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं, इसीलिए I hate you and I will always hate you. बहुत हो गया बुलबुल. सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम सबका दुश्मन हूं जो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी के साथ बदला ले रहा हूं? मैं? अगर यही बातें मुझे आंटी जी ने कही होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन तुम्हें यह बात बोलने का कोई हक नहीं है बुलबुल. हाँ, कोई हक नहीं, क्योंकि जो इस वक्त प्रज्ञा के साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार कहीं तुम भी हो. हाँ, और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझ पर ये ब्लेम डाल रही हो ताकि तुम्हें कोई कुछ ना कह सके. तुम प्रज्ञा को अपनी बहन कहती हो ना बोल, उसे बहुत प्यार करती हो ना, तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि प्रज्ञा ये शादी क्यों करना चाहती है?
सिर्फ मैं प्रज्ञा की मजबूरी जानता हूँ, सिर्फ मैं और प्रज्ञा जानते हैं कि हम ये शादी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ मैं और प्रज्ञा जानते हैं कि यही एकमात्र सही रास्ता है। नहीं, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि प्रज्ञा जी चीजों से प्यार करने लगी है और वो ये सब सिर्फ चीजों के लिए कर रही है ताकि वो तकलीफ में ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे दूर जा रही है, इसीलिए वो उनसे डिवोर्स ले रही है। जिससे आप प्यार नहीं करते हो ना, उसके साथ रहने से बेहतर है कि जिससे आप प्यार करते हो उससे दूर रहो। जिसे प्यार करते हैं उसे दूर रहना चाहिए। तुम सही कह रही हो बुलबुल, मैं ये बात जानता हूं। और मैं यही कर रहा हूं। और प्लीज अब तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम मुझसे इंप्रेस हो जाओ, ताकि तुम मेरी कुर्बानी देख सको और मैं तुम्हें वापस पा सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे और प्रज्ञा के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता था और जिंदगी भर वही कायम रहेगा, और वो है दोस्ती का रिश्ता, और उसी दोस्ती के रिश्ते के नाते मैं उससे शादी कर। प्रज्ञा को जो भी इल्जाम मुझ पे लगाने वो लगा सकती है, मुझे कबूल है, लेकिन प्रज्ञा किसी मुसीबत में हो और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। सोच रहे हो ना, वैसा नहीं है। मैंने वो चाहता है मुझे। I really hate him. और वो मेरे दिल से बदला ले रहा है। पूरब, पूरब तुम प्लीज मुझे बिलीव करो, पूरब ट्रस्ट मी, वो जो कुछ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें बोल, और ना ही कुछ प्रूफ करने की जरूरत। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या, मैं जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, जानता हूं तुम किसके लिए फील करते हो, तुम्हारे दिल में कौन है। So you don't need to prove anything to me, okay? दिल की लगी जब लग जाती है, मिल जाते हैं दो चश्मेश। अरे चश्मेश, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और उस सुरेश की तो ऐसी हालत हो गई है जैसे इमरजेंसी वार्ड में बिना डॉक्टर के पेशेंट की हो जाती है। ओ, तो तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो। देखो ना, तो ये हाइड एंड सीक खेलने का टाइम है और ना ही मेरा मूड है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। ओके, तो तुम वार्डरोब में छुपी। अरे चश्मेश, तैयार हो गई हो ना, तो फिर अंदर क्या करियो, और कितना टाइम लगोगी, बाहर आओ जल्दी। चश्मेश बहुत हो गया है नाटक, अपने नाटक जाकर सुरेश को दिखाना, मुझे नहीं। अब बाहर आओ जल्दी। मैं ये दरवाजा तो बाहर से बंद है, तो फिर चश्मेश कहाँ गई? चश्मेश, आई एम श्योर ये बालकनी में रो रही होगी और रोते रोते सो गई होगी।